गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, आप सभी लोग गेस्ट बन के मेरा लेक्चर देख रहे हैं और नहीं भी देख रहे हैं डेफिनेटली। सो स्टूडेंट बनने की कोशिश अभी भी नहीं है, गेस्ट बन के चलने की जो कवायद है ना वो जारी है। एनीवे, चलिए आज के लेसन में हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स, और इसमें हम कोई आपको अदर चीज़ें नहीं बता रहे हैं। सो डो नॉट वरी, वी आर गोइंग टू लर्न डायरेक्टली। ओके, सो यूकैरियोटिक सेल, इसके पहले हमने प्रोकैरियोटिक सेल को समझा था, उसके पहले हमने समझा था मोनो, मतलब क्या बोलेंगे उसे, यूनिसेलुलर। मोनो नहीं, मोनोसेलुलर हम नहीं बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो सारी चीज़ें और सेल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैसे डिस्कवरी हुई, रॉबर्ट हुक के बाद एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, डेट याद है ना, रॉबर्ट हुक 1665, ठीक है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक 1670s में, उसके बाद बेसिक जो बीच में आए, रॉबर्ट ब्राउन भी आए थे, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया उन्होंने, सारे सेल ऑर्गेनेल की डिस्कवरी जो है ना किसी ने किया है। ओके, स्टडी के दौरान। और उसके बाद आते हैं आपके कौन साहब, स्लाइडन एंड स्वान, या स्लिडन एंड स्वान, ठीक है। स्लिडन बॉटनिस्ट थे, आपको पता है, और उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, उन्होंने दिया था, मतलब प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया था 1838। ओके, एंड स्वान जो थे, थियोडोर स्वान, ठीक है, इन्होंने वर्क किया था 1839। दोनों को कंबाइंडली मिला के सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था, और बाद में रूडोल्फ विरको आए थे, उन्होंने ऐड किया था एक एस्पेक्ट को, जिसको हमने बोला था ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। एवरी लिविंग सेल कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, क्लियर है। ये सबसे पहले लेक्चर में था, हमने पढ़ा, और याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का पार्ट है, क्लियर है कि नहीं। ओके, फिर उसके बाद सारी चीजें हो गई थी, और प्रोकैरियोटिक सेल हमने लास्ट में डिस्कस करके पूरा फिनिश किया था, उसके साथ जो भी एसोसिएटेड एस्पेक्ट थे उसको भी हमने डिस्कस किया था सेपरेटली। यूकैरियोटिक सेल मीनिंग हमने बताया है कि यूकैरियोटिक सेल का मीनिंग क्या है। कैरियन का मतलब हमने बताया है क्या होता है, न्यूक्लियस। कैरियन, कैरियोटिक का मतलब क्या है, कैरियन से आया है, ठीक है, शुरू में ही बताया। कैरियन का मतलब क्या, मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, याद रखिएगा, न्यूक्लियस। और यू का मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रू। तो यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस का मीनिंग सिंपल है, मान लीजिए कि ये हम ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं एनिमल सेल का, यहाँ सेल वॉल नहीं है, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपको, और यहाँ पे सबसे बाहर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पीएम साहब हमारे, ठीक है। उसके अलावा सेल ऑर्गेनेल्स इसमें है, एक और स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखता है, ठीक है, ऐसे दूर से देखेंगे तो सर्कल ही दिखेगा कंप्लीट एकदम, लेकिन यहाँ पे पोर होता है, परफोरेशन होता है, इसको बोलते हैं एनपीसी, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियस पढ़ेंगे तब वहां पे हम बहुत प्रॉपरली इसको डिस्कस करेंगे। और उसमें एक एरिया में होता है, ऐसे आप देखेंगे जेनेटिक मटेरियल जो है ऐसे फैला होता है, ये क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। और एक रीजन ऐसे होता है, थोड़ा डार्क एरिया होता है ऐसे, ठीक है, डार्क एरिया, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसी के अंदर प्रोटीन होती है, यहाँ से ऐसे एसोसिएटेड होती है, जिसको हम लैमिन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर लेमाइना, या किससे बना होता है, लैमिन प्रोटीन से, ठीक है। तो ये अंदर के साइड में ऐसे रहता है, ठीक है, वो हम डिटेल पढ़ेंगे, यहाँ है नहीं आपको पढ़ने के लिए, मैं कैरियन का और ट्रू न्यूक्लियस का मीनिंग समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन की वजह से जो है ट्रू न्यूक्लियस है, हमने अभी बैक्टीरिया के केस में ये देखा था कि ये बाउंड्री बाहर से जो है ना वो मिसिंग थी, ये बाउंड्री जो थी वो क्या थी, मिसिंग थी, सॉरी 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 सॉरी, ये ठीक है, ये बाउंड्री जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, ठीक है, ये चलिए कोई बात नहीं, हमने इधर से हटा दिया, तो ये बाउंड्री जो है मिसिंग थी। बाउंड्री मिसिंग होने की वजह से उसको हमने क्या बोल दिया था, प्रिमिटिव या प्रोकैरियोट, प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब प्रोकैरियोट, तो मीनिंग समझ में आ गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बाउंड्री है, ठीक है, बाउंड्री मिसिंग नहीं है, यहाँ पे ये बाउंड्री है, क्लियर है।
इसमें सेल ऑर्गेनेल होते हैं, एक सेल ऑर्गेनेल ये होगा, ये होगा, ये होगा, अलग अलग टाइप से होंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा, अरेंजमेंट इसका गॉल्जी बॉडी का, ठीक है। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से आपको क्या दिखेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर भी राइबोसोम होगा, इधर भी राइबोसोम होगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? ऐसे ऐसे पूरा सिस्टम जो है फैला है। सो एनिमल और प्लांट सेल ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उन डिफरेंसेस को भी हम समझेंगे, बाकी ऑलमोस्ट सेम या जो फंक्शनिंग होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, लगभग सेम होती है, ओके। लगभग सेम होती है मतलब कुछ कुछ बहुत मेजर डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल होगा। ये बहुत बेसिक सा चीज है, ठीक है। सेंट्रियोल मतलब सेंट्रोसोम, ओके। चलिए यहाँ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या चीजें, नहीं तो आप कहेंगे कि मिसिंग हो गया भाई, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी मिसिंग हो गई। यूकैरियोटिक इंक्लूड्स, यूकैरियोट्स में बोल रहा है, यूकैरियोट में क्या क्या आता है, प्रोटिस्टा भी आएगा। अब ध्यान रखिए, प्रोटिस्टा पहले ये प्रोटिस्टा नहीं था, जब हम लास्ट में फाइव किंगडम पढ़ते हैं तब उसमें प्रोटिस्टा आता है, मोनेरा जिसमें हम बैक्टीरिया पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा सारे यूकैरियोट होते हैं, लेकिन होते क्या है, ये यूनिसेलुलर, ठीक है, जिसमें हम आज के समय में प्रोटोजोआ भी पढ़ते हैं, प्रोटोजोअंस जो पढ़ते हैं ना, वो प्रोटिस्टा का पार्ट है। एक टाइम था ऐसा, एक जमाना था, हमने जब पढ़ी थी किताब कुमार बिंद्रे की, ठीक है, कुमार एंड बिंद्रे की किताब पढ़ी थी, कुमार बिंद्रे की थी ना, इन्हें कोटपाल की, कोटपाल की किताब पढ़ी थी, या उसके पहले एकदम शुरुआत में जो हमने अपनी किताब पढ़ी थी ट्वेल्थ बोर्ड के एग्जाम के लिए, इलेवन ट्वेल्थ में, जूलॉजी की किताब, जूलॉजी किताब कौन सी थी, एमपी कौशिक तो बॉटनी के थे, जूलॉजी की किताब, देखिए नाम नहीं ध्यान आ रहा है मुझे। सो उसमें ना प्रोटोजोआ जो था, प्रोटोजोआ वो किंग, जो एनिमल किंगडम हम पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहला फाइलम प्रोटोजोआ था, मतलब एनिमल किंगडम में, मतलब समझ रहे हैं कि प्रोटोजोआ पहले एनिमल किंगडम का पार्ट था, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, तो किताब में लिखा था हो गया था पहले ही किंगडम की, ये प्रोटिस्टा का पार्ट है, लेकिन काफी टाइम तक हम लोग स्टडी करते थे किसमें, प्रोटोजोआ में, और वो भी एनिमल किंगडम के अंदर में, ठीक है। लेकिन आज के समय में किताबों में भी वो हटा दिया है, अब हमारा फाइलम जो होता है पोरीफेरा से शुरू होता है, ठीक है, तो वो प्रोटिस्ट होते हैं, तो प्रोटिस्ट भी यूकैरियोट होते हैं, ध्यान रखिएगा। मोनेरा और प्रोटिस्टा को आप प्रोकैरियोट बना देंगे और उसके बाद की कहानी गड़बड़ कर देंगे, प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, फंजाई हो गया, तो ध्यान रखिएगा जो पांच प्लांट किंगडम में, पांच है ना, फाइव किंगडम में, और प्लांट किंगडम में नहीं, फाइव किंगडम में, तो इसमें से मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, प्लांटी है, ठीक है, फंजाई है, एनिमेलिया है, मान लीजिए, तो ये जो चारों है ना, ये आपके यूकैरियोट्स हैं, और ये अकेला मोनेरा जो है, ठीक है, वो क्या है, प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। मोनेरा में ही आपका आता है क्या, आर्किया आएगा, ठीक है, एंड बैक्टीरिया आएगा, आर्किया एंड यू बैक्टीरिया, ठीक है, समझ रहे हैं नहीं, यही तीन चीजों को मिला के थ्री डोमेन कॉन्सेप्ट आया था, आर्किया, यू बैक्टीरिया एंड ये क्या था, यू कैरिया, तो पहला डोमेन, दूसरा डोमेन, तीसरा डोमेन, थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, समझ रहे कि नहीं। सो कॉन्सेप्ट समझेंगे तो कहानी जो है बिगड़ेगी नहीं, अभी हम जब किंगडम सिस्टम पढ़ाएंगे तो टेंशन ना लीजिए, सब पढ़ेंगे वहां पे, एनिमल किंगडम या जो हमारा क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है ना, तब वहां पे ये चीजें समझेंगे, क्लियर है, ओके। इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, ये जो बनाया था मैंने, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, सब क्या है, एक बड़ा सा घर है ये आपका, है? घर 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 होता है ना, ऐसे हाउस, ठीक है, बड़ा सा घर है, मान लीजिए कि आपका जैसे नॉर्मली घर आपने स्क्वायर शेप में ऐसे बना लिया, ठीक है, ऐसे घर बना लिया, यहाँ पे आपने गेट बना दिया गेट, ठीक है, एक कमरा आपने इधर काट दिया, नहीं काटा ना, एक कमरा आपने ऐसे काट दिया और एक कमरा आपने ऐसे काट दिया, ठीक है, यहाँ पे एंट्री दे दी और यहाँ पे सेटअप कर दिया आपने क्या, यहाँ पे आपने वॉश बेसिन बना दिया, ठीक है, और ये आपका किचन हो गया, ये आपका एक रूम हो गया, ये आपका एक रूम हो गया, ठीक है, इधर साइड में आप आके क्या बना दिए, आपका लॉबी हो गया, ठीक है, ठीक है, इधर साइड में एक रूम आपने बना दिया और यहाँ से यहाँ पर आपने क्या किया, बाथरूम बना दिया, ये आपका तीसरा कमरा है
और ये आपकी लॉबी हो गई, और ये आपका जो गांव में मतलब ऐसे स्ट्रक्चर होता है बीच में, जो ये लिविंग रूम हो गया, ये लॉबी अगर कर लीजिए तो ये आंगन जो हिंदी में आंगन होता है ना, ये हो गया, ठीक है, कोर्ट यार्ड, क्लियर है। तो एक कंपार्टमेंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी आप बाहर साइड में इसको आप ओपन रखेंगे, ठीक है, बालकनी वाला एरिया जो है ये ओपन है। तो ये क्या है डिफरेंट, जो घर बनाए हैं ना ये कंपार्टमेंट है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल में ना कंपार्टमेंट दिखता है, यही कंपार्टमेंट क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और इनका सब सेल ऑर्गेनेल का फंक्शन जो होता है ना अलग अलग होता है, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। तो एफिशिएंसी जो होती है इनकी बेहतर होती है, इसीलिए इनका इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन होने का पर्पज क्या था, अरे भाई एफिशिएंसी उनकी बेहतर होनी चाहिए, सर्वाइवल बेहतर होना चाहिए, क्लियर है कि नहीं। किसी भी चीज को विदस्टैंड करने का और चीजों को काम करने का जो तरीका है, फास्ट होना चाहिए, कोलैबोरेटिव होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए। एक एक जो है प्रोटीन बना रहा है, तो एक को प्रोटीन एक एक प्रोटीन की पैकिंग कर रहा है, एक प्रोटीन को ट्रांसफर कर रहा है, एक प्रोटीन को एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचा रहा है, समझ रहे हैं नहीं। तो ये एफिशिएंसी बढ़ा देगा। अगर अकेले ही आप, जैसे होता है ना घर बनता है तो ईंट देने का काम, अगर अकेले आप जहां ईंट रखा हुआ है वहां से ले जाके एकदम मिस्त्री तक पहुंचाएंगे तो काम बढ़ जाएगा। तो क्या करते हैं, तीन चार लोगों को लाइन में लगा देते हैं, ठीक है, वो दो चार कदम चलते हैं, दूसरे को पकड़ा देते हैं, अगला जो दो चार कदम चलता है फिर वो दूसरे को पकड़ा देता है, तो उससे क्या होता है ना काम फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी कंपार्टमेंटलाइजेशन की वजह से काम फास्ट हो गया। जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको देखिए अंदर साइड में mRNA बन रहा है, ठीक है, बाहर निकला यहाँ प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन की पैकिंग होगी, ठीक है, मतलब मॉडिफिकेशन होगा, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बन रहा है, यहाँ से फिर गोल्जी बॉडी को जाएगा, गोल्जी बॉडी क्या करेगा, यहाँ पे साइकिल बना के इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, फिर मेम्ब्रेन जो है इसको बाहर साइड में ले जाएगा दूसरे सेल तक अगर पहुंचाना है तो, या मेम्ब्रेन तक पहुंचाना है। तो ये क्या है, ये कोलैबोरेटिव या कोऑपरेटिव मैनर में काम हो रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। सो समझ रहे हैं मीनिंग। तो सेल का तो डिवीजन ऑफ लेबर है ही है, ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनेल का भी डिवीजन ऑफ लेबर होने की वजह से, जो ऑर्गेनेल्स है ना यहाँ पर भी डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, ठीक है भाई। एक माइटोकांड्रिया का अलग काम है, क्लोरोप्लास्ट है तो उसका अलग काम है, राइबोसोम का अलग काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग काम है, गॉल्जी बॉडी का अलग काम है, समझ रहे ना। सेंट्रियोल है अगर तो सेंट्रियोल का अलग काम है, न्यूक्लियस का अलग काम है। ये न्यूक्लियस जो होता है क्या होता है, ब्रेन सेंटर, कंट्रोल सेंटर, ठीक है, समझ रहे हैं नहीं। तो यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनेल देखे हमने, बनाया क्या है, बाहर साइड में एक लेयर बनाई थी, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, इनके बाहर एक लेयर है, ठीक है। और यहीं पे अगर प्लांट सेल है तो बड़ा सा वैक्यूल देखने को मिलेगा, अगर प्लांट सेल ऐसे है तो इसमें बड़ा सा वैक्यूल मिलेगा, लगभग 90% जो है ना वॉल्यूम जो है वो कवर किए रहता है। एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज बहुत कम होता है या तो अब्सेंट होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल प्रोसेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड होता है, कहने का मतलब बाहर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल में वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड स्केलेटल स्ट्रक्चर, ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना प्रोटीन का, तो ऐसे हवा में नहीं हो रहा है। जैसे हमको भाई गोरखपुर से बनारस जाना है सपोज, या गोरखपुर से हमको, ये गोरखपुर है, बनारस है, इधर दिल्ली है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो हमारे पास मोड होगा, या तो बाई रोड जाएंगे हम, ठीक है, या तो बाई ट्रेन जाएंगे हम, या बाई फ्लाइट जाएंगे हम, ठीक है, या भाई भाई वॉक करके भी जा सकते हैं, लेकिन वॉकिंग बड़ा मुश्किल होगा, वॉक करेंगे तो भी हमको रोड चाहिए, ठीक है। तो ये रोड और ये ट्रेन और ये फ्लाइट ये क्या है, यही जो है ना साइटोस्केलेटल सिस्टम है हमारे बॉडी के, ठीक है। तो लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर जो है ना जो भी मूवमेंट होता है इन्हीं की वजह से होता है, चाहे कोई भी, चाहे वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की बात कह लीजिए, या जो वेसाइकल का मूवमेंट होता है ना, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट हो गया, या जो अदर चीजों का जो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी सिक्रीशन हो, यहां से वहां जाएगा वो, ठीक है। सो किसकी वजह से होता है, ये साइटोस्केलेटन की वजह से होता है, और साइटोस्केलेटन एक सेल को ना पर्टिकुलर जो साइज और शेप देता है वो साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन एक्चुअली में तीन टाइप के होते हैं, हम यहाँ पे डिस्कस पूरा डिटेल में नहीं करेंगे, आपको पढ़ना भी नहीं है, नाम बस जान लीजिए। एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल,
ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है, ठीक है। दूसरा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, फिलामेंट लिखने का मतलब है पतले होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट। और तीसरा होता है क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रो फिलामेंट, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, माइक्रो फिलामेंट हो गया ना कहानी। तो ये तीन टाइप के होते हैं, ट्यूबुल ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। इंटरमीडिएट का मतलब थिकनेस के बेसिस पे, इसका डायमीटर सबसे ज्यादा होता है, इसका थोड़ा बीच में रहता है और इसका सबसे कम होता है सपोज, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये पढ़ना नहीं आपको, टेंशन ना लीजिए। डायमीटर के बेसिस पे है और यही पूरे सेल में ना फैले रहते हैं, ये पूरे सेल में फैले रहते हैं। जैसे हमारा इंडोस्केलेटन है ना, बोन्स, बोन का पूरा एक स्ट्रक्चर है अंदर, उसी के अंदर क्या है हमारे, उसके ऊपर मसल्स होती है, अंदर साइड में एक विसरल सिस्टम है पूरा हमारा, वैसे यहाँ पर होता है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। सो ये ध्यान रखिएगा, देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज इनटू अ क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो है हमको जेनेटिक मटेरियल प्रॉपर क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है। और हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स, नो मतलब हमारी बॉडी में, हमारे सेल की बात करें तो सेल में कितने, 23 पेयर्स, मतलब टोटल 46 नॉर्मल कंडीशन में। कम ज्यादा होंगे तो यूप्लॉयडी अनयूप्लॉयडी का कॉन्सेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे, क्लियर है कि नहीं। तो क्रोमोसोम है एक्चुअली में क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीएनए के साथ ना स्पेशल टाइप के प्रोटीन अटैच होती है, इसको हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन। और कुछ और एसोसिएटेड प्रोटीन होती है, तो पूरा स्ट्रक्चर मिलके क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। क्यों, खाली डीएनए क्रोमोसोम नहीं होता है, इस गलतफहमी में ना रहिएगा, कोई बोलेगा भी तो भी दिक्कत, मतलब उसको बोलिएगा नहीं नहीं भाई, डीएनए इज इक्वल टू क्रोमोसोम नहीं है, क्रोमोसोम का मतलब डीएनए प्लस प्रोटीन है, और कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, ओके। ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल, सही बात है, अभी हमने स्ट्रक्चर देखा भी था, सारी सेल जो होती है आइडेंटिकल नहीं होती। न्यूरॉन सेल देख लीजिए, न्यूरॉन सेल तो अलग ही है एकदम बिल्कुल, तो आइडेंटिकल कहां से हो गया। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट है ना, बहुत सारे एस्पेक्ट में डिफरेंट है। एक में क्या है, सेल वॉल होता है, किसमें, प्लांट में, दूसरे प्लास्टिड होता है, प्लांट में होता है, और क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वेक्यूल हमने बता दिया, जो कि क्या होता है, एनिमल सेल में अबसेंट होता है। क्या, प्लांट में क्या क्या होता है भैया, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन ये यूनिक है प्लांट के लिए, क्या, सेल वॉल, ये क्या है, प्लास्टिड, ठीक है। लेकिन क्या प्लांट सेल वॉल केवल प्लांट्स के लिए यूनिक है क्या, नहीं, ये आपके उधर भी मिलता है सेल वॉल, किसमें, अरे प्रोकैरियोट्स में भी सेल वॉल होता है। तो एनिमल और प्लांट के केस में डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो रहा है, अगर खाली ये बोला जाए कि सेल वॉल इज यूनिक टू द प्लांट्स ओनली या प्लांटी ओनली, तो नहीं, ठीक है, प्लास्टिड हो गया, उसके अलावा सेंट्रल वैक्यूल, हम मान लीजिए वैक्यूल बोल दिए, लार्ज वैक्यूल लिखेंगे तब और करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। और एनिमल की बात करते हैं, तो एनिमल में ये सारे जो होते हैं ना अब्सेंट होते हैं, एनिमल में स्पेशल क्या होता है, स्पेशल होता है सेंट्रियोल, ठीक है, एनिमल में सेंट्रियोल होता है, जो कि प्लांट में जो होता है ना ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल में अब्सेंट होता है ये, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट लिखने का कोई पर्पज नहीं है एज सच, लेकिन ये अब्सेंट होता है, किसमें, प्लांट में सेंट्रियोल नहीं होता है, ठीक है, इधर ये नहीं होता और ये तीनों इधर नहीं होते हैं, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कहानी। तो सेंट्रियोल, इन सब का फंक्शन तो पता है सेल वॉल, एक्चुअल में जैसे एनिमल में सेल वॉल होने का कोई अलग से रीजन नहीं है, क्योंकि बनाने में एनर्जी और सारी चीजें लॉस होंगी, तो एनिमल में क्या है, इसमें मूवमेंट होता है, मोबाइल होते हैं ना एनिमल, हाँ, तो ये जैसे ही कोई चीज होगी तो भाग जाएंगे, अरे भाई धूप बहुत तेज लग रही तो आप छाए में भाग जाएंगे, ठीक है, बरसात हो रही तो भी छाए में भाग जाएंगे, ठंडी है तो धूप में निकल लेंगे, आपको कोई थ्रेट आ रहा है, कोई मतलब दौड़ा रहा है आपको खाने के लिए मारने के लिए, तो डिफेंस मैकेनिज्म में आप भाग जाएंगे, छुप जाएंगे। लेकिन प्लांट ऐसा कर पाएंगे क्या, नहीं, इसलिए उनके ऊपर एक और अलग से स्ट्रक्चर देता है सेल वॉल, ताकि जो एक्सट्रीम इवेंट्स हो उसको सस्टेन कर सके। उसके अलावा और भी डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे दिए हैं, कांटा दिया हुआ है, या ऐसे कड़वा वाला या पॉइजनस सब्सटेंस इसके अंदर प्रोड्यूस होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट के फॉर्म में, वो सब अलग चीजें हैं, ठीक है, क्लियर है। प्लास्टिक फूड मेकिंग फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये प्लांट ही बनाते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, हमने इकोसिस्टम में पढ़ लिया है।
वैक्यूल में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, उसका हम वैक्यूल जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। वैक्यूल के बाहर की कवरिंग को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारा जो सीक्रेटेड मटेरियल होता है ना वो स्टोर भी होता है, ठीक है, वैक्यूल्स के अंदर, ठीक है। सेंट्रियोल का मेन फंक्शन क्या होता है, सेल डिवीजन में हेल्प करना, मतलब यहां से हमको क्या निकलता है, स्पिंडल फाइबर कब ड्यूरिंग दी एनाफेज स्टेज, एनाफेज में स्पिंडल फाइबर निकलता है और जाके क्रोमोजोम से अटैच होता है, उसके बाद उसका क्या होता है, पोलर माइग्रेशन होता है, ठीक है। और एनिमल के केस में सेंट्रियोल होता है, ठीक है, और ये एक जगह पड़ा रहता है एक बॉडी में जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोजोम, ठीक है, और यहाँ पे दो सेंट्रियोल होते हैं जो कि परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं, ठीक है, क्लियर है। प्लांट सेल में नहीं होता है लेकिन फिर भी प्लांट सेल डिवाइड करती है, कैसे करती है बताइए जरा, यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन करती तो है ना प्लांट सेल। अरे हम रूट टिप में सॉरी अनियन के रूट टिप में हम डिवीजन ही देखते हैं, तो ये तो प्लांट ही है ना भाई, तो यहाँ पे भी डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या स्पिंडल फाइबर की जरूरत नहीं है, है ना, बिना उसके काम कहाँ से होगा। तो प्लांट में ना एक्चुअली में सेंट्रोजोम नहीं होता है, ये सेंट्रोजोम क्या है, सेंट्रोजोम जो होता है ये एक ऑर्गेनेल है, तो ये अब्सेंट होता है, इसकी जगह होता क्या है एमटीओसी, समझ रहे हैं ना, ये वर्ड दिया नहीं है यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ तो जस्ट रिमेम्बर दैट, क्या है ये, माइक्रोटिब्यूल, माइक्रोटिब्यूल ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, मतलब यहाँ पे माइक्रोटिब्यूल ऐसे ऑर्गेनाइज होता है और ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है, मतलब सेल में ही ऐसे रहते हैं, सेल से ऑर्गेनाइज होगा और इधर से जो है ना स्पिंडल फाइबर ऐसे चारों तरफ निकलेगा, क्लियर है कि नहीं, और दोनों साइड में ऐसे दोनों पोल पे होता है, इधर से भी निकलेगा ऐसे, और वहां पे क्या होता है एनिमल के केस में यही स्ट्रक्चर दूसरे टाइप से होता है, ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको ये दिखेगा, पर्टिकुलरली आपको दिखेगा क्या, ऐसे सेंट्रियोल परपेंडिकुलर यहां से निकलेगा ऐसे, ठीक है, यहां से ऐसे ही आया मजा जान के कि एमटीओसी क्या होता है, नहीं तो आप तो खाली यही रटते रहते हैं कि सेंट्रियोल इसमें होता है उसमें नहीं होता है, लेकिन सेंट्रियोल का जो फंक्शन है उसके बेसिस पे ये नहीं समझ पाते हैं कि अच्छा उसका फंक्शन यहाँ परफॉर्म कौन कर रहा है, क्योंकि सेल डिवीजन तो हो रहा है तो फंक्शन कोई ना कोई तो परफॉर्म कर रहा होगा ना। चलिए सो ये स्ट्रक्चर देखिए प्लांट सेल का है, ठीक है, ये देख रहे हैं इतना बड़ा सा वैक्यूल, लगभग ऑलमोस्ट इसका पूरा 90% जो होता है वो कवर करके रखता है, 70-90% एरिया, ठीक है। ये देखिए न्यूक्लियस है, यहाँ देखिए ये देख रहे हैं गोला गोला बाहर दिख रहा है ना, ये क्या है, न्यूक्लियर पोर है, क्या है ये न्यूक्लियर पोर्स है, तो इनको पोर्स का स्ट्रक्चर जब डिटेल देखेंगे ना तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, तो इसलिए न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स नहीं मतलब उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन और ट्यूब्यूल्स जो है अरेंज है, ठीक है, उसको बनाते हैं एक साथ मिलके, इसलिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ऐसे सिंपल सा खाली पोर नहीं है, कैसे पाइप बना दिया पोर हो गया, स्ट्रा बना दिया, ठीक है, नहीं स्ट्रा टाइप से नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इस यहाँ पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये सेलेक्टिव परमिएबल होता है, बीच बीच में पोर होते हैं, तो पोर में जो होता है ना एंट्री ऐसे कोई भी चीज नहीं घुस जाएगी, ठीक है। ये देखिए माइक्रोट्यूब्यूल को दिखाया गया, ऐसे देखिए ये है ना, ऐसे सेल में बिखरे हैं, ओके ओके, ये देखिए बीच में सेल का, सेल की बाहर जो मेम्ब्रेन में देखिए दिख रहा है लाल लाल डॉट दिखाया हुआ है, ये क्या है, ये प्लाज्मोडेस्मेटा है, प्लाज्मोडेस्मेटा प्लांट के केस में होता है, मतलब प्लांट में होता है और ये क्या करता है, सेल टू सेल कनेक्शन का काम करता है, सेल टू सेल कनेक्शन का काम करता है, ठीक है, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में अगर कोई चीज ट्रांसफर करनी है या कम्युनिकेशन करना है तो फिर ये प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया हुआ है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होता है, एक्चुअली में लिपिड की सिंथेसिस होती है, क्या होता है, लिपिड सिंथेसिस आएगा तो ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर, यहाँ पे देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं था, इसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है और ये जो ऊपर व्हाइट व्हाइट स्ट्रक्चर यहाँ बना है ये राइबोसोम्स है, ठीक है, क्या है, राइबोसोम है और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम क्या हो जाता है,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये किस लिए होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस यही होती है, ठीक है। लाइसोसोम, ये देखिए लाइसोसोम, तो ये होता है एक्चुअली में यहाँ पे इसके अंदर जो होता है ना एसिडिक एंजाइम भरा होता है, क्या एसिडिक एंजाइम, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, क्या हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। ये सेल डेबरीज को डैमेज करने या खत्म करने का काम करता है, और कभी कभी अगर सेल की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है, सेल डैमेज हो गया है, सेल में इन्फेक्शन हो गया है सपोज, तो क्या करता है ना ये फट जाता है, बस्ट हो जाता है, बस्ट हो जाता है, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज हो जाता है, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज होने से क्या होता है, सेल को पूरा क्या करता है, डाइजेस्ट कर जाता है बिल्कुल, ठीक है। और सोचिए कि इसका पीएच ना बड़ा ठीक ठाक रेंज का होता है, हाँ ठीक ठाक का मतलब होगा ना सबसे लोवेस्ट रेंज पे आएगा, और डैमेज करा देता है पूरा तगड़े तरीके से, इसीलिए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं, सुसाइडल बैग, क्लियर है कि नहीं, सुसाइड वाला बैग थैला। न्यूक्लियस बता दिए, कंट्रोल सेंटर है ये, कंट्रोल सेंटर, या इसको ब्रेन भी बोलेंगे, आपका सेल का ब्रेन है। न्यूक्लियोलस देखिए इसके अंदर है, ठीक है, एक सेकेंड। तो राइबोसोमल आरएनए जो होता है ना, ठीक है, उसकी सिंथेसिस जो होती है इधर ही होती है। गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस का क्या काम है, गोल्जी अपरेटस का भी काम क्या होता है, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कराना और ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। एक्चुअली में इसको बोला गया था इट्स ट्रैफिक पुलिस, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस। न्यूक्लियर इनवेलप बता दिए हैं, सेलेक्टिव परमिएबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये भी सेलेक्टिव परमिएबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाई लेयर पीएलपीपी कॉन्सेप्ट, ठीक है, वैक्यूल हो गया। मिडिल लैमिला, मिडिल लैमिला क्या होता है, कैल्शियम पेक्टेट से बना होता है, किससे, कैल्शियम पेक्टेट, ठीक है। एक्चुअली में मिडिल लैमिला है क्या, ये सीमेंटिंग मटेरियल है, क्या है, सीमेंटिंग मटेरियल, मतलब ये एक एक बाउंड्री इस सेल की है और इसके बीच में सीमेंटिंग मटेरियल आ गया है, और ये दूसरी सेल से कनेक्ट करेगा, दूसरी सेल के साथ बिल्कुल जुड़ा रहेगा, बीच में गैप नहीं होता है नॉर्मली एक सेल से दूसरे सेल के बीच में, तो बीच में स्ट्रक्चर क्या अटैच करता है, मान लीजिए कि एक स्ट्रक्चर ये है, अरे जैसे ईंट, ईंट होता है ना भाई, ईंट मान लीजिए कि आपने एक ईंट ऐसे बनाई, ठीक है, आपने एक ईंट ऐसे बनाई, ठीक है, अब आपको इसके इसी के ऊपर दूसरी ईंट चिपकानी है, मतलब एकदम से कंटिन्यूएशन में ऐसे चिपकाना है कि सेम चिपक गया, तो बीच में आप कुछ मटेरियल डालते हैं ना जिसको सीमेंट बोलते हैं, है? गारा में डालता है जो सीमेंट, और उसके बाद सीमेंट लगाने के बाद फिर से दूसरी ईंट जो है आप ऐसे इसके उस पर रख देते हैं, हमने उल्टा बना दिया, ऐसे ऊपर आप रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ रहे नहीं। तो ये जो मटेरियल है ना साइड में भी रखने का, एकदम ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखने का, कोई उसके बीच में क्या है, ये सीमेंटिंग मटेरियल है, ठीक है, हम दिखाने के पर्पस ऐसा किए हैं, आप ऐसे देख लीजिए, ठीक है, ऐसे ही यहां पर होता है, दिस इज दी सीमेंटिंग मटेरियल इन बिटवीन दी, इन बिटवीन दी सेल वॉल ऑफ टू कन टू, बताइए, सेल वॉल ऑफ टू एडजेसेंट, एडजेसेंट ऐसा नहीं कि किसी के बीच में, टू एडजेसेंट सेल्स, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। और क्या है, सेल वॉल पता ही हो गया, सेल वॉल ये है, ठीक है, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, जहां पे आपको एटीपी बनेगा, ठीक है, मतलब एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहेगी। राइबोसोम, राइबोसोम यहाँ पे जो होगा एटीएस टाइप का होगा, ठीक है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्रोटीन फैक्ट्री की तरह जाना जाता है। देखिए क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल होता है, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म, पूरा मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर ही है। और ये देखिए पेरोक्सीसोम है, पेरोक्सीसोम का रोल होता है एक्चुअली में डिटॉक्सिफिकेशन में भी होता है, और पेरोक्सीसोम का और रोल कहाँ होता है, जो फोटो रेस्पिरेशन होता है ना इसमें भी आएगा, ठीक है, ये H2O2 को भी ब्रेक करते हैं, यहाँ पे एंजाइम होता है पेरोक्सीडेज, एक्चुअली में पेरोक्सीडेज, ठीक है, तो H2O2 जो सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है, तो ये टॉक्सिक होता है, तो इसको ब्रेक करता है वाटर एंड ऑक्सीजन के उसमें, क्लियर है कि नहीं, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, जैसे अपनी बॉडी में लीवर होता है ना, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, एल्कोहल आप पीते हैं तो इसलिए लीवर के ऊपर डैमेज होता है, क्योंकि लीवर ही उसको डिटॉक्सिफाई करता है। तो अगर अगर लीवर
लिवर डिटॉक्सिफाई का काम कर रहा है, उसको टाइम नहीं देंगे आप रिकवरी का, डेली थोक के भाव में देसी दारू पिए जा रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एडवाइजेबल यही होता है कि जो दारू पीते हैं तो एडवाइजेबल है कि पानी खूब पीजिए ताकि हैंगओवर भी ना हो, और थोड़ा कम कम अल्टरनेट डे पे पीजिए, रेगुलर पीजिए तो कम पीजिए नहीं अल्टरनेट डे पे पीजिए, ठीक है, ऐसे रैंडमली पिएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, ये देखिए सेल, अब एनिमल सेल की बात करते हैं, ये प्लांट सेल था, अब एनिमल सेल, हम पूरा स्ट्रक्चर और एक एक मेन मेन फंक्शन यहीं पे बता दे रहे हैं आपको, ताकि जब आगे बढ़े ना तो दिक्कत ना हो बाबू, ठीक है, दिक्कत ना हो। ये सेल है, एनिमल सेल दिखाया गया है, देखिए गॉल्जी एपरेटस पिछला वही काम होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वही काम होगा, सेंट्रियोल का फंक्शन बता दिया, पेरोक्सिसोम यहाँ पे भी पेरोक्सिडेज एंजाइम होगा H2O2, ठीक है, लाइसोसोम यहाँ पर भी है, राइबोसोम यहाँ पर भी है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर भी है, रफ एंडोप्लाज्मिक यहाँ भी है, साइटोप्लाज्म वही, न्यूक्लियस वैसे ही, न्यूक्लियोलस वैसे ही, न्यूक्लियर एनवेलप वही, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगभग सेम है, ये अलग था हमने वहां बता दिया, ये प्लांट में नहीं होता है, प्लांट में नहीं होता है, प्लांट में क्या होता है MTOC, ठीक है, पाया जाता है। माइक्रोविलाई देखिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है, तो ये भी प्लांट के केस में नहीं मिलते हैं, एनिमल सेल में दिखता है। एनिमल सेल में कहाँ देखने को मिलता है, हम देखे हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ऐसे और भी कुछ जगह होती है जहां पे सरफेस एरिया को बढ़ाना होता है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट का या फूड का एब्जॉर्प्शन होना है, ठीक है, मेटाबोलिज्म के बाद, तो एब्जॉर्प्शन भाई सरफेस एरिया अगर मान लीजिए सीधा सीधा है तो एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होगा, अब मान लीजिए ऐसे इन फोल्डिंग ऐसे 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 बहुत ज्यादा फोल्डिंग हो गई है, तो इसका मतलब जब इसको ओपन करेंगे ना तो इतना बड़ा सा निकलेगा, तो सरफेस एरिया बढ़ गया है ना, यस दीज आर द माइक्रोविलाई। ओके ओके, चलिए अब आगे चलते हैं हम।